हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों ने कमेंट किया है कि आप सर टीजीटी की तैयारी कराइए, और जो आप लोगों ने जो मतलब कहा है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग, और सिलेबस मतलब कि जो स्टेप वाइज है उसको आप लोग बताइए। तो मैंने आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैंने अकाउंटेंसी में 14 क्लासों पर पहले ही आप लोगों को मतलब कि 13 क्लासें मैंने पहले ही ऑलरेडी बनाई हुई हैं आप लोगों को, वीडियो जो है उसमें कई जो टॉपिक हैं वो मैंने आप लोगों को वहाँ पर कंप्लीट कराए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आराम से चेक कर सकते हैं। आज की क्लास में और आगे आने वाली क्लासें हैं उनमें मैं आप लोगों को जो भी टॉपिक आप लोगों के रहने जो छूट गए हैं, जो बचे हुए टॉपिक हैं, उन पर मैं आप लोगों को एक एक करके वन बाई वन क्लासें देने वाला हूँ। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में डबल एंट्री सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। रहा सिलेबस की बात, तो सिलेबस भी मैं आप लोगों को अगली क्लास में मैं आप लोगों को इसके सिलेबस की भी बात करूँगा, ठीक है। सिलेबस जो हम लोग पढ़ चुके हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज की क्लास में बिना समय गवाए आज क्लास को शुरू करते हैं, और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक में लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का जो फॉन्ट है वो मैंने बढ़ा दिया है, ठीक है। अगर हम लोग इससे ज़्यादा करते हैं तो क्वेश्चन जो है वो कट जाएगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन का फॉन्ट जो है वो बड़ा कर दिया है। क्वेश्चन नंबर एक लिखा हुआ है कि अनअर्जित आय माना जाता है। इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अनअर्न इनकम इज कंसीडर्ड एज, किस समय हम लोग उसको मानते हैं, संपत्ति में मानते हैं, लाइबिलिटी में मानते हैं, लॉस में मानते हैं, या फिर कैपिटल में मानते हैं, मतलब कि उसे हम संपत्ति में मानते हैं, दायित्व में मानते हैं, हानि में मानते हैं, या फिर पूंजी में मानते हैं। तो अनअर्जित आय जो है वो माना जाता है, वो किस में माना जाता है, संपत्ति में माना जाता है, या फिर वो दायित्व में माना जाता है, या फिर हानि में माना जाता है, या फिर पूंजी में माना जाता है। तो अनअर्जित आय होती क्या है, तो अनअर्जित आय वह आय है, हम लोग इसको भी लिख देते हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा बातें समझ में आए, कि अनअर्जित आय वह आय है जो कमाई नहीं गई है परंतु प्राप्त हो गई है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग अनअर्जित आय कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या मानते हैं, तो इसे हम लोग जब आय अभी प्राप्त नहीं हुई है, मतलब कमाई नहीं गई है परंतु प्राप्त हो गई है, तो इसे हम क्या मानेंगे, तो इसे हम लोग दायित्व मानते हैं। इसे दायित्व माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इसे अग्रिम प्राप्त आय भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है, इसका राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। अब देखिए, ज़्यादा फॉन्ट अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो ये क्वेश्चन कट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दो में लिखा हुआ है कि
एक व्यक्ति ने 45,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया या व्यवसाय प्रारंभ किया। उसने 5,000 की वस्तुओं को उधार क्रय किया है। इन लेन देनों का लेखांकन समीकरण में व्यक्त किया जा सकता है। तो लेखांकन जो समीकरण है, लेखांकन समीकरण अगर हम लोग बात करते हैं लेखांकन समीकरण की, लेखांकन समीकरण जो होता है वो होता है संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व के। अब हमसे पूछा गया है 45,000 से व्यापार प्रारंभ किया तो पूंजी कितनी लगाई है, 45,000। और अगर हम संपत्ति में बात करते हैं तो ये कैश लगाया है कितना, 45,000। ठीक है, अब वस्तुओं के उधार क्रय पर, वस्तुएं हमने उधार क्रय की हैं तो मतलब हमने स्टॉक जो है अपना बढ़ा लिया है। तो स्टॉक हमने कितने का लिया है, तो स्टॉक मतलब माल लिया है, क्रय किया है 5,000 रुपये का, लेकिन नगद से नहीं उधार से। तो उधार मतलब हमारा दायित्व है, तो दायित्व कितना है, 5,000 का। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा, 45 और 5 हो जाएंगे 50,000। यहाँ पर ये हो जाएगा 50,000 और यहाँ पर ये हो जाएंगे 50,000। ये क्या है, तो ये पूंजी है, ये क्रेडिटर्स है, उधार क्रय किया है ना, ये स्टॉक है और ये कैश है। तो हमसे पूछा गया है, तो इसका जो है ऑप्शन बताने हैं आप लोगों को कि इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि 45,000 माइनस जो है, 45,000 बराबर लिखा हुआ है, 50,000 बराबर लिखा हुआ है, 50,000 माइनस 45,000, तो ये ऑप्शन गलत है। 50,000 बराबर लिखा हुआ है, बराबर का साइन है, 50,000 बराबर 50,000 प्लस में 0, तो ये भी गलत है। 50,000 बराबर जो है वो 45,000 प्लस जो है वो 5,000। तो ये जो ऑप्शन है, ये जो तरीका है, ये हो सकता है, ये इसको जो है ये सही आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो है ये 50,000 है और इनको हम लोगों ने अलग अलग, संपत्ति अगर पूछा जाता है तो संपत्ति कितनी है, 50,000, उसमें कैश जो है वो है 45,000 और स्टॉक जो है वो है 50,000। लेकिन अगर पूंजी और दायित्व की बात करते हैं तो पूंजी कितनी है, 45,000 और दायित्व कितना है, 5,000। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और किस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया है, अगर लेखांकन समीकरण और डिटेल में पढ़ना है तो मैं आप लोगों को और अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगा, अलग से एक सेपरेट क्लास लेकर आऊंगा अकाउंटिंग सॉरी लेखांकन समीकरण की, अकाउंटिंग इक्वेशन की, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, कई प्रकार के क्वेश्चन जो हैं उन पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 3 की बात अगर हम लोग करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि यदि पूंजी जो है वो 50,000 है, दायित्व तो जो है वो 30,000 है और स्थायी संपत्तियां 70,000 हैं, तो चालू संपत्तियां, ये पूछा गया है, तो चालू संपत्तियां होंगी, तो चालू संपत्तियां पूछी हैं। तो ये भी लेखांकन समीकरण का ही जो है वो सवाल है ये भी। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने बताया हुआ है यहाँ पर कि संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व के होती हैं, संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व के होती हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है कि 50,000 की पूंजी है, 50,000 की पूंजी है और दायित्व जो है वो कितने हैं, 30,000 के दायित्व हैं। और संपत्तियों में स्थायी संपत्ति देखो, कुल मिला के यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इन दोनों का जो टोटल आएगा वो आएगा 80,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर संपत्तियों को इन्होंने दो भागों में बांट दिया है, एक है स्थायी संपत्ति और एक है चालू संपत्ति। तो इसका भी टोटल हमें 80 करना है, लेकिन यहाँ क्योंकि ये जो है संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस दायित्व के होती हैं, ये फॉर्मूला मालूम है हम लोगों को। अब संपत्तियों में स्थायी संपत्तियां जी हैं
70,000 रुपये की। तो बची हुई जो चालू संपत्तियां हैं वो कितने की हैं, तो वो हैं कितने की, 10,000 की। तभी तो ये 80 हो पाएंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है कि चालू संपत्तियां कितने की हैं, तो चालू संपत्तियां हैं 10,000 की। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग कई, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम लोग यही क्लास करेंगे, हो सकता है कि दोहरा लेखा प्रणाली में आप लोगों को दूसरी क्लास भी और हो, क्योंकि हम लोग कई क्वेश्चन को चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने कमेंट किया है, आप लोगों ने कहा है, तो आप लोगों को क्लासें ज़रूर प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, और हम लोग झारखंड की भी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कौन सा दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत है। ये पूछा गया है कि कौन सा दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत है। ये क्वेश्चन है कि दोहरा कौन सा, विच वन इज द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो इनमें से कौन सा जो है वो दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत है। क्रय बढ़ता है नाम में और आय बढ़ती है जमा पक्ष में, व्यय बढ़ता है नाम में और आय घटाती है जमा पक्ष को, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि सी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि प्राप्तकर्ता जो है वो रिसीवर इज डेबिट और गिवर इज क्रेडिट, रिसीवर इज डेबिट और गिवर इज क्रेडिट, ये सही है, या फिर रिसीवर इज क्रेडिट और गिवर इज डेबिट, तो ये वाला सही है। तो इसका जो है वो सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, कि हमारा जो है कौन सा सिद्धांत सही है। तो मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं कि जर्नल, जब मैंने जर्नल आप लोगों को बताया था और जर्नल में मैंने आप लोगों को बताए थे कि एक हम लोग व्यक्तिगत खाता होता है, वैसे तो दो खाते होते हैं, व्यक्तिगत और एक होता है अव्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत में हम लोगों के 3 प्रकार के खाते आते हैं और अव्यक्तिगत में 2 प्रकार के खाते आते हैं, वास्तविक खाते और एक होते हैं अवास्तविक खाते। अवास्तविक खाते को दूसरा नाम क्या है, तो इसे नाम मात्र खाते भी कहते हैं। अब व्यक्तिगत खाते जो हैं इनके रूल क्या हैं, तो इनके रूल 2 हैं कि पाने वाला जो है उसे हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और देने वाले को क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। तो यही रूल हम लोगों का सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रिसीवर इज डेबिट और गिवर इज क्रेडिट। तो इसका सही आंसर है कि प्राप्तकर्ता को हम लोग नाम में देते हैं, नाम पक्ष का मतलब होता है नाम में डेबिट करते हैं, और जमा का मतलब होता है क्रेडिट। तो प्राप्तकर्ता को जो है वो जो गिवर होता है उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट तो हम लोग यहाँ पर, अगर आप लोग तैयारी MCQ में करना चाहते हैं और कॉन्सेप्ट भी पढ़ना चाहते हैं तो बताइए, हम लोग फिलहाल तो अभी MCQ देखेंगे। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम लोग बहुत ही डिटेल में आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे, ये मेरा वादा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, और 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि 10,000 मूल्य का माल जो है वो अनुमोदन द्वारा विक्रय के आधार पर बेचा गया है, तो लेखांकन की तिथि पर इसे लेन देन का समायोजन किया जाता है। तो यदि जो है इफ गुड्स वर्थ 10,000 आर सोल्ड ऑन बेसिस ऑफ सेल ऑन अप्रूवल, द एडजस्टमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन द डेट ऑफ अकाउंटिंग इज डन इन, तो इसे हम लोग किस में लिखेंगे, इसे हम लोग विक्रय में लिखेंगे, स्टॉक में, देनदार में, या फिर उपरोक्त सभी में लिखेंगे। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है कि यदि 10,000 रुपये का जो माल है वो अनुमोदन द्वारा विक्रय के आधार पर बेचा गया है, तो लेखांकन की तिथि पर इसे लेन देनों का समायोजन किया जाता है,
तो इसे हम लोग किस में समायोजन करेंगे? इसका राइट आंसर जो है वो है हम लोगों का, इसे हम लोग किस में समायोजन करेंगे? इसे हम लोग उपरोक्त सभी में समायोजन करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि यदि 10,000 रुपये का जो माल है अनुमोदन द्वारा विक्रय के आधार पर बेचा गया है तो लेखांकन की तिथि पर इसी लेखांकन जो है इसी लेन देनों का समायोजन विक्रय में करेंगे, स्टॉक में करेंगे, देनदार में करेंगे, मतलब इन सभी में हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि कोई माल उधार क्रय किया है, उधार मतलब खरीदा है, उधार उधार खरीदा है, अब उधार अगर खरीदा है तो तुम्हारा जो है क्या है, तुम्हें उधार खरीदा है तो तुम्हें कुछ दिनों बाद ही उसका पेमेंट करना है ना करना है, तो आपका ये क्या है, तो आप क्या हुए, आपका एक लेनदार हुए, तो आपको ये रुपए देना है, तो इसीलिए ये लेनदार को हम लोग कहाँ लिखते हैं, लेनदार को हम लोग दायित्व में लिखते हैं। तो उधार अगर माल खरीदते हैं तो क्या होता है, तो उसमें लेनदार हम लोग होते हैं। तो उधार उधार क्रय किया गया है तो निम्न में से कौन सा खाता हम लोग नाम किया जाएगा, तो उसमें से हम लोग कौन सा खाता जो है वो नाम करेंगे, तो नाम पूछा है। ठीक है, अब उधार खरीदा है तो लेकिन हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है एंट्री का डालेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, और टू में हम लोग जिससे भी हमने खरीदा है उसका नाम लिख देंगे XYZ। तो XYZ का मतलब होता है यहाँ पर किसी का नाम अगर हम लोग लिख देते हैं तो उसे हम क्रेडिटर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है कि उसमें पूछा है कि हम लोग डेबिट किसे करेंगे, तो डेबिट पूछा है तो ये, और क्रेडिट पूछा है तो ये। ठीक है, तो हमसे डेबिट पूछा है तो डेबिट हम लोग किसको करेंगे, परचेज को करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन लिखे हुए हैं रोकड़ तो ये नहीं होगा, देनदार भी नहीं होगा, लेनदार होता तो, लेकिन जब क्रेडिट पूछते तो, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर समझ में आ गया होगा कि उधार अगर खरीदा है चाहे किसी प्रकार से खरीदा हो, अगर माल खरीदा है तो आप परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्रवर्तक को कहते हैं प्रमोटर, प्रवर्तक द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरित नगद को डेबिट किया जाता है। अब जब व्यक्तिगत उपयोग की बात आती है तो उसे हम लोग कहते हैं ड्राइंग, और ड्राइंग को हम लोग अगर बात करते हैं तो इसे कहते हैं आहरण भी कह देते हैं, आहरण भी कहते हैं, घरेलू व्यय भी कह देते हैं, निजी व्यय भी कह देते हैं और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी कह देते हैं। तो ड्राइंग जब हम लोग खर्चा करेंगे, अब सिंपल सी बात है कि व्यापार से अगर हमने नगद निकाला है तो हम कौन से खाते को डेबिट करेंगे, तो एक तरीके से ड्राइंग हमारा क्या हुआ, खर्चा हुआ। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट करेंगे, और अगर कैश निकाला है तो कैश करेंगे, और अगर माल निकाला होता तो हम लोग परचेज करते। तो इसका राइट आंसर क्या है कि ड्राइंग को हम लोग डेबिट करेंगे, तो इसका राइट आंसर है ड्राइंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ड्राइंग इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पर्सनल सेलिंग में इंक्लूड करते हैं व्यक्तिगत विक्रय में सम्मिलित करते हैं। तो व्यक्तिगत विक्रय अगर हम लोग करेंगे, मतलब कि डायरेक्ट जाकर उस पर सामान बेचेंगे, तो उसमें क्या होगा, मौखिक संप्रेषण होगा, बिल्कुल होगा, आमने सामने की बातचीत होगी, बिल्कुल बातचीत होगी, ग्राहकों से बातचीत होगी, और ग्राहक जो है ग्राहकों से कन्वर्जन होगा, तो बिल्कुल होगा। तो इसका राइट आंसर है कि व्यक्तिगत विक्रय में हमें ये सारे लाभ मिल सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है कि उपरोक्त सभी होंगे, तो इसमें हम लोग इन सभी को सम्मिलित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
कि अगर हम लोग व्यक्तिगत विक्रय करते हैं तो हमें क्या क्या जो है विशेषताएं मिलती हैं, तो हम लोगों को प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क होगा, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क होगा, ठीक है। दूसरा होगा कि वस्तुओं का विक्रय होगा। तीसरा होगा मौखिक रूप से प्रस्तुतीकरण होगा। चार की बात करते हैं, संचार का एक तरीका। पांचवें में और भी विशेषताएं हैं, सामाजिक व्यवहार की बात होगी। सृजनात्मक कला का विकास होगा। संदेह का तत्काल समाधान होगा। व्यक्तिगत विक्रय से समाधान होगा, ठीक है। और मौखिक वार्तालाप होगा। ऐसी कई विशेषताएं जो हैं वो व्यक्तिगत विक्रय में आती हैं, मैंने आप लोगों को कुछ ही बताई हैं। देखो जल्दी जल्दी लिखेंगे तो थोड़ा सा राइटिंग ख़राब आएगा, लेकिन आप लोगों के काम का होगा। इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत विक्रय लक्षित नहीं होता है। तो व्यक्तिगत जो विक्रय है, अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो पर्सनल सेलिंग इज नॉट टारगेटेड टूवर्ड, तो हम लोग अगर बहुत से लोग हैं, असंख्य श्रोताओं पर हम लोग व्यक्तिगत विक्रय मतलब 1x1 जाकर कैसे करेंगे। असंख्य लोगों पर हम लोग सभी पर जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, सभी पर नहीं जा सकते हैं, असंख्य लोगों पर नहीं जा सकते हैं, तो यही पैरा जो लक्ष्य है वो नहीं होता है। और व्यक्तिगत संपर्क होगा बिल्कुल कर सकते हैं, दो तरफ संप्रेषण होगा बिल्कुल होगा, दो तरफ कम्युनिकेशन होगा, तुरंत प्रतिपुष्टि होगी, तुरंत तत्काल समाधान होगा, तो ये भी होगा। लेकिन ये जो पहला जो है मास ऑडियंस अगर होती है तो हम लोगों को व्यक्तिगत विक्रय जो है वो हम लोग नहीं हो सकता है वहां पर। तो इसका राइट आंसर क्या है, मास ऑडियंस पर हम लोग नहीं पहुंच सकते व्यक्तिगत जो विक्रय में पर्सनल सेलिंग अगर करते हैं, तो उसमें अगर असंख्य लोग होते हैं, असंख्य श्रोता होते हैं, तो हम लोग सबसे कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो इसका पहला ही जो लक्ष्य है वो लक्षित नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि लेखांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं है। अब लेखांकन प्रक्रिया की अगर हम लोग बात करते हैं, लेखांकन प्रक्रिया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, लेखांकन प्रक्रिया। अब लेखांकन प्रक्रिया में सबसे पहला होता है लेखांकन प्रक्रिया, फिर उसके बाद होता है अगर हम लोग बात करते हैं वित्तीय लेन देनों की पहचान। सबसे पहले क्या होगा कि वित्तीय लेन देनों की पहचान होगी। फिर उसके बाद अगर हम लोग प्रक्रिया में है ना, तो प्रक्रिया में फिर होता है प्रमाणक बनाना, वाउचर बनाना। फिर उसके बाद अगर होता है तो फिर उसके बाद होता है लेन देनों का अभिलेखन रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। फिर उसके बाद होता है लेन देनों का वर्गीकरण करना, जैसे खाता वही बनाना, लेन देनों का वर्गीकरण करना, ठीक है, खाता वही में जैसे हम लोग लिखते हैं अलग अलग करके। फिर उसके बाद होता है तलपट तैयार करना। फिर उसके बाद हम लोग व्यापार खाता और लाभहानि खाता बनाते हैं, व्यापार एवं लाभहानि खाता बनाते हैं
फिर उसके बाद हम लोग आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं। आर्थिक चिट्ठा जैसे हम लोग स्थिति विवरण भी कह सकते हैं, आर्थिक चिट्ठा या फिर स्थिति विवरण। फिर उसके बाद होता है विश्लेषण, विश्लेषण। फिर उसके बाद होता है, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में होता है उपयोगकर्ताओं में, उपयोगकर्ताओं में संवहन। ठीक है, तो लास्ट नंबर पे हम लोग यहां पर लिख देते हैं उपयोगकर्ताओं, उपयोगकर्ताओं में संवहन। ठीक है, तो ये जो है लेखांकन प्रक्रिया में ये जो है शामिल होते हैं। अब हमसे पूछा है शामिल नहीं है, तो अभिलेखन करना, रिकॉर्डिंग करना, तो ये तो शामिल होता है। वर्गीकरण करना, ये भी शामिल होता है। सारांशीकरण करना, समराइज्ड करना, तो ये भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो ये जो है अगर हम लोग बात करते हैं सरलीकृत करना, सिंप्लीफाई करना, ये नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, जो है वो नहीं होता है। तो यही जो है नहीं का मतलब इसमें जो नहीं होता, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम मात्र खाता है। तो ब्याज जो है ब्याज खाता, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड जैसे उपार्जित जो है, अदत्त हैं, पूर्वदत्त हैं, ये सारे के सारे खाते जो हैं वो व्यक्तिगत खाते में आते हैं, ये सारे के सारे जो है वो व्यक्तिगत खाते में आते हैं। और जो ब्याज खाता है, तो ब्याज जो खाता है वो एक तरीके से अवास्तविक खाता है। कैसा खाता है? अवास्तविक खाता है। इसी को कहते हैं नाम मात्र खाता, इसी को क्या कहते हैं? नाम मात्र खाता। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि बाकी के जो खाते होते हैं ये सारे के सारे खाते व्यक्तिगत खाते में आते हैं, और ये जो खाता है वो अवास्तविक खाते में आता है, जिसे नाम मात्र खाता भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि वास्तविक डूबी रकम के पूर्वानुमान में डूबी रकम और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान बनाने का जो आधार है वो क्या आधार है। हमने पहले ही सोच लिया है, या फिर हम पहले से ही एक तरीके से इमरजेंसी के लिए अपने पास एक रिजर्व बना के रखते हैं कि हमें हानि हो सकती है, उसके लिए अगर हम पहले से ही पूर्वानुमान में ही एक रकम रखते हैं, तो वो रकम जो है वो किसका आधार, वो प्रावधान बनाने का जो आधार है वो पूछा गया है। तो प्रकटीकरण की परंपरा नहीं होती है, एक रूपता की परंपरा नहीं होती है, रूढ़िवादिता की परंपरा होती है। तो यही मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई है कि रूढ़िवादिता की परंपरा में ये कहा गया है कि संपूर्ण जो है, जो आने वाले लाभ हैं उनको हम लोग अपने में शामिल नहीं करते हैं, लेकिन जो आने वाले जो पूर्वानुमान में अगर हानि होती है तो उनको हम लोग शामिल करते हैं। रूढ़िवादिता की परंपरा यही कहती है। तो जब अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे हम लोग, जब ये एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे ना, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रूढ़िवादिता की परंपरा में ऐसा कहा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नाम मात्र खाता है। तो नाम मात्र खाता कौन सा खाता है? मजदूरी खाता जो है वो नाम मात्र खाता है। ठीक है, पेटेंट खाता, अग्रिम खाता, या फिर ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है कि मजदूरी खाता, मतलब कि जो नाम मात्र खाते होते हैं, सभी खर्चे या फिर हानि को हम लोग किसमें करते हैं? डेबिट करते हैं। और सभी आय या फिर लाभ को हम लोग किसमें करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो ये किस खाते का रूल है? तो ये नाम मात्र खाते का रूल है। तो यहाँ पर जो है खर्चा क्या है? तो सभी खर्चे, मजदूरी तो एक खर्चा है, तो इसीलिए खर्चा जो है वो डेबिट होता है। अब खर्चा डेबिट होगा तो वो किस में होगा? तो वो नाम मात्र खाते का रूल है। उसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर एक नियम है, जो नियम है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, तो ये किस खाते का नियम है? व्यक्तिगत, सॉरी, नाम मात्र खाते का, व्यक्तिगत खाते का, वेतन खाते का, या फिर किराया खाते का? तो इसमें मैंने कहा गया है आप लोगों से कि डेबिट द गिवर मतलब कि पाने वाले को, पाने वाला जो है उसे डेबिट करते हैं, मतलब कि पाने वाले को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो पाने वाले को रिसीवर कह सकते हैं, और देने वाले को, देने वाले को हम लोग क्या करते हैं, देने वाले को क्रेडिट करते हैं, और देने वाले को कह सकते हैं गिवर। तो ये किस खाते का नियम है? तो ये व्यक्तिगत खाते का नियम है, व्यक्तिगत खाते का नियम है। तो इसका पर्सनल अकाउंट का ये नियम है, तो इसका राइट आंसर है कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है जी ए डबल पी रिक्वायर्ड टू, तो जो गैप है आवश्यक है, तो ये क्यों आवश्यक है? वैल्यू के लिए, मूल्य के लिए, जर्नल के लिए, या फिर लेखांकन में वैश्विक समायोजन के लिए, तो गैप जो आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि लेखांकन में अगर वैश्विक समायोजन करना है तो गैप आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर गैप की फुल फॉर्म के बारे में पूछा जाता है तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जर्नली, जर्नली, जर्नली एक्सेप्टेड, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, जनरली अकाउंटिंग, जनरली एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो इसकी फुल फॉर्म है। तो ये ग्लोबल जो है लेखांकन में वैश्विक समायोजन के लिए जो है गैप आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम मात्र खाते के अंतर्गत आता है, इनमें से कौन सा जो है वो नाम मात्र खाते के अंतर्गत आता है? तो बैंक जो है, बैंक खाता, वो व्यक्तिगत खाते में आता है, व्यक्तिगत खाते में आता है। बिल भुगतान खाता, आहरण खाता भी हम लोगों का व्यक्तिगत खाते में आता है। अशोध ऋण की वापसी जो है, अशोध ऋण की वापसी जो है वो हम लोगों का, अशोध ऋण की वापसी जो है वो हम लोगों का नाम मात्र खाते में आता है, नाम मात्र खाते में आता है, नाम मात्र खाते में आता है। इसका राइट आंसर है बी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि डेबिट, डेबिट मतलब डेबिट में लिखा हुआ है कि सभी व्यय और हानियां, और क्रेडिट में लिखा हुआ है सभी लाभ या फिर आय, यह सूत्र किसके लिए लागू होता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि यह सूत्र जो है वो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट जिसे नाम मात्र खाता कहते हैं, इसे नाम मात्र खाता कहते हैं। इसका राइट आंसर है ई ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट को हम लोग नाम मात्र खाता कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नाम मात्र खाता भी कहते हैं, या फिर अवास्तविक खाता भी कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है अभी मैंने बताए हुए हैं, इसीलिए मुझे टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। व्यक्तिगत खाते की अगर हम लोग प्रकार की बात करते हैं,
तो ये भी इनके प्रकार लिखे हुए हैं, प्रतिनिधि, व्यक्तिगत खाते, ठीक है, प्राकृतिक और बहुत से हैं, मतलब मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग एमसीक्यू पर ध्यान देते हुए अपने एमसीक्यू पर चर्चा कर रहे हैं, जब डिटेल की बात आएगी तो मैं आप लोगों को एक एक बात डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्लास जो है, अगर आप लोगों ने नहीं की हुई है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्लास अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग देख लीजिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्लास मैंने कराई हुई है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सारी क्लासें मैंने आप लोगों को डाल रखी हैं, स्टैटिक्स में 16 क्लासें, इनकम टैक्स में 21 क्लासें, ऐसी बहुत सी क्लासें हैं जो पहले ही प्रोवाइड हैं, लेकिन अगर फिर भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं, क्रम वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो मैं क्रम वाइज ही आप लोगों को अब पढ़ाने वाला हूँ। सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड से मदों से मिलान कीजिए, तो देखते हैं हम लोग कौन कौन सी सूचियाँ हम लोगों के पास दी गई हैं, उनको हम लोग मिलान करना है। सबसे पहले लिखा हुआ है इनको मिलाइए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बन होता है वो किसके लिए होता है, तो ये जो होता है लेखांकन नीतियों का प्रकटन के लिए, लेखांकन नीतियों का प्रकटन के लिए हम लोगों का होता है। तो इसका जो दूसरा नंबर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो ए का जो है, ए का हो जाएगा हम लोगों का दूसरा नंबर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तीन में हम लोगों का होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट है हम लोगों का चौथे नंबर पर, तो चौथा नंबर अब यहाँ पर हो जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो होता है वो होता है संपत्तियों से संबंधित, तो ये संपत्तियों से संबंधित है, स्थायी संपत्तियों से संबंधित है, तो इसका नंबर हो जाएगा 1। और 19 नंबर का जो संबंधित है वो हो जाए हम लोगों का लीज से संबंधित है, लीज और उनके लेखांकन से संबंधित है, तो ये हो जाएगा इसका तीसरा नंबर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्लास कराई हुई है तो उसको आप लोग ज़रूर कर सकते हैं, और अगर अधूरी लग रही है आप लोगों को, और भी क्वेश्चन है, तो अगर और भी क्वेश्चन होते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को पार्ट टू करके लेकर आऊँगा। तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो सबसे पहला है दूसरा नंबर, फिर उसके बाद है चौथा नंबर, फिर उसके बाद है पहला नंबर, और फिर उसके बाद है तीसरा नंबर। तो अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 हम लोगों का किसमें है, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ए का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी एक सेकेंड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बन है 2 4 1 3, तो यहाँ पर जो है एक भी ऑप्शन नहीं है। तो इसमें अगर हम लोग ऑप्शन अलग से ई नंबर में लिखना चाहते हैं तो इसी प्रकार से ए का 2, बी का 4, सी का एक और डी का तीन, तो इस प्रकार से ऑप्शन लिख सकते हैं और यही हम लोगों का ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भविष्य की हानियों के लिए पर्याप्त प्रावधान रखें लेकिन भविष्य के लाभों को पूर्वानुमान ना करें। मतलब यही मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि भविष्य की हानियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखें, प्रावधान करें, लेकिन भविष्य के जो लाभ हैं उनको पूर्वानुमान ना करें। तो ऐसा किसमें कहा गया है, तो ऐसा रूढ़िवादी अवधारणा में या रूढ़िवादी परंपरा में कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बार बार एक ही चीज़ को पढ़ाने से कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं होता है, बस क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जो लैंग्वेज में पूछे गए हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में कहीं TGT की बात करें, PGT की बात करें, या फिर UGC NET की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं किसी अगर हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ की, या फिर रीट की, मतलब कि राजस्थान RPSC की बात करें, तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप लोग ध्यान में इनको रख के करिए। उसके बाद आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है कि वसूली खाता है रियलाइजेशन अकाउंट, जिसे हम लोग वसूली खाता कहते हैं। तो पूछा है वसूली खाता कैसा खाता है, व्यक्तिगत खाता है, नाम मात्र का खाता है, वास्तविक खाता है, या फिर उचंत खाता है, सस्पेंस अकाउंट है। तो वसूली जो खाता है वो कैसा खाता है, तो वसूली खाता कैसा खाता है, तो ये नाम मात्र का खाता है। कैसा खाता है, नाम मात्र खाता है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आज की क्लास में मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चन कराए हैं जो एग्ज़ाम में किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को और भी मैं आप लोगों को दोहरा जो मतलब दोहरा लिखा जो प्रणाली है, डबल एंट्री सिस्टम है, इनके और भी क्वेश्चन हैं उनको मैं आप लोगों को अगली क्लास में लेकर आऊँगा, ठीक है। आप लोगों को अगर क्लासें देखनी हैं तो देखो देखो ध्यान से कि मैंने लेखांकन परिचय सबसे पहली क्लास जो है वो पहली सबसे पहली क्लास कराई थी लेखांकन परिचय की। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को आधारभूत लेखांकन शब्दावली जिसे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कहते हैं उनकी क्लासें कराई थी। सारी की सारी क्लासें MCQ क्लासें थी, ध्यान से देखिए इनको MCQ क्लासें हैं। ये प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, ठीक है, इसमें आप लोग ध्यान से जाकर देख सकते हैं लेखांक। और फिर उसके बाद मैंने 12 नंबर की क्लास बनाई है, मतलब कि और भी क्लासें हैं, सारे के सारे जो थंबनेल हैं वो नहीं लगा सकते हैं, आप लोग ध्यान से जाकर देखिए। हमने आपको कंपनी के लेखे मतलब कंपनी के लेखों में अंशों के निर्गमन और उनके प्रकार के जो MCQ हैं उनको कराया है। कंपनी के लेखों में अंशों का हरण और शोधन जो है रिडम्पशन जो है उनके क्वेश्चन कराए हैं, तो इनको आप लोग जरूर करिए, ठीक है। और भी क्लासें हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्लास है, जनरल की क्लास है, और बहुत सी क्लासें हैं जो नहीं हैं उनको बताइए, मैं आप लोगों को जरूर कराऊंगा। और अगर मेरे द्वारा प्रयास जो किया जा रहा है वो आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग SP एजुकेशन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों के जो प्रयास से जो मैं जो मतलब कि जैसे आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें बनाने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि SP एजुकेशन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।